दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, दोस्तों हमें यहाँ पे एक्सपेंड करना है 1 प्लस एक्स की पावर एन को इन द असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स विद द हेल्प ऑफ मैक्लॉरिन सीरीज। हम ये काम करने वाले हैं, तो किस तरह से, लाइक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर होल, राइट। सबसे पहले हमने मान लिया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का होल एन। अब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, n 1 प्लस x रेज टू पावर n माइनस 1। एंड अगर मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करूंगा तो n माइनस 1 प्लस x रेज टू पावर n माइनस 2। ध्यान देने वाली बात है, जब दो बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो पावर से 2 माइनस हो रहा है, जब वन टाइम डिफरेंशिएट किया तो पावर से 1 माइनस हो रहा था, एंड जब 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया तो नंबर ऑफ टर्म्स जो हमारे पास में है वह है n n माइनस 1, दैट इज 2 टर्म्स है। अगर इसको अगेन हम डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा मेरे पास n n माइनस 1 n माइनस 2 एंड पावर हो जाएगी मेरे पास n माइनस 3। अगेन मैं इसको अगर डिफरेंशिएट करूं चौथी बार तो मेरे पास में नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे यहां पे वो होंगे n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 एंड पावर जो होगी मेरे पास 1 प्लस एक्स की होगी n माइनस 4। तो अगर मैं बोलूं कि मैं इसे n टाइम डिफरेंशिएट कर रहा हूं या m टाइम डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मेरे पास में डिफरेंशिएशन क्या होगा, n n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 अप टू n टर्म्स, सॉरी n टाइम कर रहा है ना डिफरेंशिएट, तो n टर्म्स यहां पे होंगे एंड 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n माइनस m हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इन सभी डेरिवेटिव्स की हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे f ऑफ 0 पे, तो यहीं से कर लेंगे। f ऑफ 0 की वैल्यू यहां पे क्या निकलेगी हमारे पास, फंक्शन की वैल्यू, जहां हमने x बराबर 0 रखा तो 1 की पावर n मतलब 1। अगर हम बात करें नीचे वाले की, फर्स्ट डिफरेंशिएशन जो हमने किया था फर्स्ट डेरिवेटिव की, तो यहां पे f ऑफ x बराबर अगर 0 लगेंगे तो यहां से फिर वही हमें मिलेगा n, ठीक है, f डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू n। अगर हम सेकंड डेरिवेटिव की बात करेंगे तो यहां पे हमें मिलेगा n n माइनस 1, क्योंकि यहां से तो हमें अल्टीमेटली 1 ही मिलने वाला है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, f डबल डैश ऑफ 0 इज n n माइनस 1। अगर f ट्रिपल डैश ऑफ 0 की अगर हम बात करें तो यहां से मिलेगा हमें n n माइनस 1 n माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, f ट्रिपल डैश ऑफ 0 इज n n माइनस 1 n माइनस 2। एंड अगर चौथे डेरिवेटिव की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है, चौथे डेरिवेटिव की अगर वैल्यू हम 0 पे फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो जाएगी n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, ठीक है। इसी तरह से अगर हम mth डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास में होगी f ऑफ m एट 0 विल बी n n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 अप टू n टर्म्स, ठीक है। तो फाइनली ये वैल्यू हमें कहां प्लेस करनी है, मैक्लॉरिन सीरीज का जो हमारे पास में फॉर्मूला था उस फॉर्मूले में हम लोग को प्रूफ रखनी है, तो रख लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस x डॉट f डैश ऑफ 0 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ 0 प्लस f x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश ऑफ 0 एंड सो ऑन x रेज टू पावर n ओवर n फैक्टोरियल f एन डेरिवेटिव 0। ओके, अब वैल्यू प्लेस करते हैं सिंपली, तो फंक्शन था हमारे पास में 1 प्लस एक्स की पावर n, तो f ऑफ 0 की वैल्यू मुझे मिली थी 1, ठीक है। इसके बाद x डॉट f डैश ऑफ 0 की वैल्यू मेरे पास है n, तो हो जाएगा nx प्लस f डबल डैश ऑफ 0 की मेरे पास में वैल्यू है n n माइनस 1 n n माइनस 1 एंड x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस f ट्रिपल डैश ऑफ 0 की वैल्यू मेरे पास में थी n n माइनस 1 n माइनस 2 n n माइनस 1 n माइनस 2
ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस अगर चौथे डेरिवेटिव की जीरो पे वैल्यू हम देखेंगे तो हमें मिलेगी एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री ओवर 4 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन, ठीक है। ये लास्ट टर्म भी मैं लिख देता हूं एन एन माइनस वन एन माइनस टू डॉट 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 एन टर्म्स ओवर एन फैक्टोरियल एंड एक्स रेज टू पावर एन, ठीक है। तो इस एक्सपेंशन को हम बाइनोमियल एक्सपेंशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन समझ में आया होगा विद हेल्प ऑफ मैक्लाउरिन सीरीज। जल्दी मिलता हूं आपसे।